हेलो दोस्तों, आज हम टाटा के शोरूम में सर्विस कराने आए हैं। चौथी सर्विस हम आपको बताएंगे कितनी कॉस्ट आती है, कैसे सर्विस। ये मेरा छोटा भाई है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, ठोक ठोक के लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। दोस्तों टाटा वालों के अच्छे दिन आ गए हैं। कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, ये सर्विस सेंटर बहुत बिजी रहता है। मैं हूँ क्लासिक मोटर टाटा के शोरूम में। पहली गाड़ी हमारी थी। 2 साल पहले मैं आया था यहाँ पे, तो तुरंत मेरी गाड़ी को उन्होंने सर्विस कर दिया था। अब इतनी भीड़ लगी रहती है वेटिंग में, ये कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये देखो न्यू पंच 5-स्टार गाड़ी, ये ठोकी हुई पंच, ये भी 5-स्टार गाड़ी है। ये हैरियर मस्त है, बिल्ड क्वालिटी है इसकी। वो नेक्सॉन खड़ी हुई है पूरी ठुक गई, लेकिन कैबिन इंटैक्ट है उसकी। अच्छा सर्विस सेंटर है, नाइस बिहेवियर स्टाफ, बस थोड़ी भीड़ ज़्यादा है। इनका भी कसूर नहीं है, बिक्री होने लग गई इनकी तगड़ी। दोस्तों हमको हो चुके हैं यहाँ पर 4 घंटे और अभी तक हमारी गाड़ी हमको डिलीवर नहीं हुई है। बहुत टाइम दे रहे हैं। कहा है सामने टाटा का जंगल, ये देखो। अगर टाइम वेस्ट करना हो तो अपनी गाड़ी की सर्विस कराने आ जाओ, अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम टाटा टियागो की सर्विस करा के घर आ चुके हैं। मैं रास्ते में आपको वीडियो शूट नहीं कर पाया था। हमारी गाड़ी सिल्वर AMC में थी, तो फोर सर्विस की कॉस्ट आई थी 0 रुपये। टाइम बहुत ज़्यादा लगा था, हम 12 बजे गए थे, शाम को 5 बजे फ्री हुए थे। हाँ दोस्तों, फाइनली हम घर पे आ गए टाटा टियागो की सर्विस करवा कर, और हमारी सर्विस कॉस्ट आई थी 0, क्योंकि हमारी गाड़ी सिल्वर AMC में थी, लेबर चार्ज कुछ लगा नहीं, और टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था, करीब 5 घंटे। हमको गाड़ी शाम को 5 बजे दी थी उन्होंने, और बाकी कुछ चेंज हुआ नहीं था, बस चेकअप हुए थे और धुलाई हुई थी। ठीक है, बाय बाय।